गवर्नमेंट ने कुछ कुछ चीज़ों में छूट दी है, तो ये कंस्ट्रक्शन का काम भी उसी में आता है ना। तो धीरे धीरे देखो क्या 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 चीज़ें खुलती हैं, धीरे धीरे क्या क्या होता है सुधार। बाकी अभी तो लॉकडाउन का कुछ पता नहीं। तो वेलकम टू द न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। और अभी तक ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था, मेरे को कंटेंट भी नहीं मिल रहा था, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। अब अभी भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ बस, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मेरे फ़ोन में भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, बार बार हैंग हो जाता है कभी कभार, क्योंकि मैं कभी कैमरा ऑन करता हूँ या कभी किसी का कॉल आया था ना, तो हैंग कर जाता है बहुत ज़्यादा। फिर स्विच ऑफ करना पड़ता है, फिर ऑन करता हूँ, फिर थोड़ी देर सही चलता है, फिर हैंग हो जाता है। अब भगवान जाने कब तक ऐसी कहानी चलेगी। बाकी लॉकडाउन का भी कुछ पता नहीं है, अभी बढ़ेगा घटेगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी मीटिंग चल रही है, वीडियो चैटिंग चल रही है, वीडियो कॉल पे बातचीत सबकी चल रही है। रिज़ल्ट अभी सामने आए नहीं है, जैसे ही आ जाते तो आपको हम बताते हैं क्या रिज़ल्ट है। अभी इस लॉकडाउन में भी क्या हो रहा है मेरे साथ यही हो रहा है कि सुबह उठाऊँ, खाया पिया सोया, और मतलब नींद इतनी ज़्यादा आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा नींद का नशा चढ़ गया। तो जितना हो सकता है अपना रूटीन सही कर लो अभी से, क्योंकि रूटीन सही रहेगा ना तो एक आदत बनी रहती है कि सुबह जल्दी उठना है, सही टाइम पर सोना है, सही टाइम पर सुबह उठना है, सही टाइम पे खाना है, सही टाइम पे सोना है। बस ये है, मतलब कहने का यही है कि दिन अपना रूटीन जो है आपका रेगुलर रूटीन रखो, उसमें डिस्टर्बेंस मत लाओ। और कुछ अगर जो आपको लग रहा है कि आपकी रूटीन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज़ को मत ऐड होने दो। मेरे को भी पूरा एक हफ़्ता हो गया, मेरे को भी मैं नहीं उठा, सुबह उठ भी नहीं पाया। और क्योंकि मतलब एक चीज़ होती है बीच में, मतलब उठता भी हूँ, एक हफ्ते में एक दो बार तो उठा ही था, एक्सरसाइज वगैरह करी, लेकिन छत पे नहीं आया था। और व्लॉग भी इसलिए नहीं बना रहा था कि कंटेंट नहीं है भाई, कंटेंट क्योंकि फ़ायदा नहीं है अगर कंटेंट नहीं है। और अभी इस बीच में एक कंटेंट बनाया भी था, तो गड़बड़ ये हो गई कि मैंने अपने लैपटॉप में डाला व्लॉग पूरा का पूरा, और उसमें से भी कुछ वीडियोस डिलीट हो गई। मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ क्या नहीं हुआ, ढंग से कॉपी हुई नहीं हुई उसका मुझे नहीं पता, लेकिन क्या हुआ था, मैंने जब अपना सॉफ्टवेयर ऑन किया प्रीमियर एडिटिंग के लिए, तो उसमें क्या मैंने अपना ओपन किया फ़ाइल वगैरह, तो देखा फ़ाइल गायब है दो चार। तो मैंने देखा तो पता नहीं कहाँ थी, फ़ोन में भी नहीं थी, या तो ढंग से कॉपी नहीं हुई है क्या हुआ, वो प्रॉब्लम मुझे नहीं पता। अभी मैंने अपना प्रीमियर प्रो ओपन किया, उसके बाद एडिटिंग करने की कोशिश करी, फिर कोशिश क्या करी एडिटिंग करने के लिए उठाई था, सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया भाई साहब। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्रैश होने के बाद दोबारा अनइंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया, उसके बाद भाई साहब जी चले थे। फिर क्या कर सकते थे, जब फाइलें ही उड़ गई तो क्या व्लॉग एडिट करते क्या करते। अब आज का व्लॉग देख लेना जो अब बना, कल का तो मिस हो गया, उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। ये होता रहता है, क्या है ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। अकेले खुले आसमान में बस इसी की पतंग उड़ रही है, किससे पेचे लड़ाएगा ये समझ में नहीं आ रहा। कोई पेचे लड़ाने वाली भी तो होनी चाहिए, कोई आए इसका साथी तो समझ में भी आए, मज़ा भी आए। ओए होए ओए होए ओए होए। और अभी इतने टाइम से मैं देख रहा हूँ कि वीडियो बनी है रोस्टिंग के ऊपर, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, तो भाई बहुत तगड़ा रोस्ट किया है अपना कैरीमिनाटी ने। और उसकी वीडियो जिसने नहीं देखी उसकी जाके देखो भाई, बहुत तगड़ी वाली रोस्टिंग करी है। मैं तो कहता हूँ यार मेरा भी कर दो रोस्ट, कोई ना कोई फेमस हो जाएंगे इसी बहाने। मैं तो खुल्लम छूट दे रहा हूँ, कर दो रोस्ट मेरे को भी, कम से कम इसी बहाने तो कुछ सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, वरना कुछ ना कुछ तो हो ही नहीं रहा अभी तो घर बैठे। लेकिन जो भी हुआ है, रोस्टिंग एक अपनी अलग जगह पे है, लेकिन जो मेहनत है वो अपनी जगह पे है। टिकटॉक पे या यूट्यूब पे बंदे देखो जितने बहुत भतेरे बंदे हैं, तो उसमें क्या है कि सबकी मेहनत अपनी अपनी एक मेहनत है, सबको अपनी मेहनत पर गर्व होता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, गर्व है ठीक है। लेकिन उसमें क्या है ना, आप किसी सामने वाले को कुछ मत कहो और कोई दूसरा बंदा आपको कुछ ना कहे, तो उसी में फ़ायदा है, क्योंकि बिना सोचे समझे बोलने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो यही हाल होता है बाद में जो अभी हुआ है। तो बीच में पड़ो ही मत किसी के लफड़े में बस, क्योंकि किसी के लफड़ों में पड़ोगे तो उसका हाल जो CarryMinati ने किया वैसा ही हो जाता है। वैसे बोलने को तो इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ है नहीं अभी अपने को, लेकिन अब क्या है कि जो भी है मेहनत करते चलो, अपना काम करते चलो, जो जिस काम में आपको लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हो तो वो काम करो और किसी के लफड़ों में ज़्यादा टांग मत अड़ाओ, किसी को ख़ास फालतू बोलो मत और अपनी मेहनत अपने साथ लेके चलो बस। किसी के बारे में बोलने का फ़ायदा नहीं होता। एक चैनल और है मेरे फ्रेंड का, वो क्या करते हैं कि अपने जो मैं एडिटिंग करता हूँ वगैरह सॉफ्टवेयर के अंदर प्रीमियर प्रो, एडोबी प्रीमियर प्रो का मैं यूज़ करता हूँ सॉफ्टवेयर। हमारे मेरे मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनका मतलब उन्होंने भी अपना उनका भी चैनल है जो कि मैं हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के देता हूँ आपको, मतलब डिस्क्रिप्शन में देता हूँ आपको। विक्रम भमरा करके उनका चैनल है और अगर आपको कुछ भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इशू हो रहा है या सीखनी है, लर्निंग करनी है, तो बहुत अच्छी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं आपको और जाके सीखो। क्योंकि आपको देखो किसी को भी जाने का फ़ायदा नहीं है। अगर मैं देखो आपको बताऊँ, मैंने कोर्स किया है 2.5 साल का, वैसे मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा कि मैंने किस इंस्टीट्यूट में कोर्स किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं आज की डेट में कंप्यूटर कोर्स करने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना वो बताएंगे इंस्टीट्यूट वाले उससे ज़्यादा तो आप खुद से सीख लोगे। जिस टाइम पे हमने कोर्स किया था उस टाइम पे ज़्यादा यूट्यूब पे था नहीं कंटेंट कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो या फिर और कुछ भी। देखो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया और आपको ये हो गया वीडियो एडिटिंग, थोड़ा बहुत देखो बंदा नेट से खुद देख करके 1 महीना देखेगा अगर YouTube पे तो सीख जाएगा पूरा सॉफ्टवेयर, तो उसमें बंदे को कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपको 3D एनिमेशन से रिलेटेड कुछ क्वारी है तो फिर तो मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा कि आप कोर्स जाके करो कोर्स। तो जो ग्राफिक है और जो वीडियो एडिटिंग है उसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है। इसमें अगर आप कुछ ऑनलाइन सीख भी लोगे तो उतना आप सीख जाते हो ऑनलाइन भी कि आपको एक जॉब मिल सके अच्छी सी, और उस जॉब में ही रह के आप बहुत अच्छा सा सीख जाते हो सॉफ्टवेयर काम कर करके। तो बस यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छे से वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखनी है, प्रोफेशनली काम करना है और आपका शौक़ है फ़ोटोग्राफी वगैरह या वेडिंग वगैरह मतलब शूट्स वगैरह का, तो वीडियो एडिटिंग का अगर आपको सीखना है तो विक्रम भमरा करके आपको चैनल में डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उनको जाके फॉलो करो और उनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है, जाके देखो। इसके साथ मेरे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो कर दो, उनका भी इंस्टाग्राम और मेरा भी इंस्टाग्राम दोनों देख रहे हो आप, तो आप फॉलो करो जाके दोनों को। और भाई मैं तो कहता हूँ रोस्ट कर दो मेरा भी, कोई फेमस कर दो मुझे भी, सही रहेगा। इसी के साथ टाटा बाय बाय।